हे गाइस, मैं हूं ब्लास्टर। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया अपडेट्स के बारे में। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रिमोरो व्लॉग्स के बारे में। तो भाई कल इन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, जिस वीडियो में भाई इन्होंने कुछ बड़े क्रिएटर्स लाइक आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल को डेयर देने के लिए कहा। देन भाई आशीष चंचलानी इनको एक ऐसा डेयर दिया कि भाई आप शादी के जोड़े में एक लड़की को लेकर अपने पेरेंट्स के पास जाओ एंड आप ऐसे बोलो कि आपने शादी कर ली। देन उनका रिएक्शन हमें दिखाओ और उनके मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था आप खुद देखिए। की है कि व्हाट इज दिस? अरे बेसिकली पापा उन्होंने हां की है बेटा, तू केंडे बड़े हो गए कि तू अपने आप सारे डिसीजन लेने शुरू कर ले। हम तो भी थोड़े वाले पागल है साला। इतने मैं तेनु एडा बड़ा कीता, इस काम नु कीता ये पापा की पापा। चल बाहर चल, गेट आउट। ओ बाहर चल, तेनु लाया की करना हो और बाकी रह गया। देन इस वीडियो पर आशीष चंचलानी का भी कमेंट था, आप देख सकते हो। ऑल्सो भाई मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हर्ष बेनीवाल ने भी इनको एक ऐसा ही डेयर दिया था। सो या अगर आपको ये कंप्लीट वीडियो देखना है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हो। तो भाई चलिए हम बात करते हैं लक्ष्य चौधरी वर्सेज रचित रोझा के बारे में। तो भाई जैसा कि आप सब जानते हो, इन दोनों के बीच में पहले भी काफी बार कॉन्ट्रोवर्सी हो चुकी है। देन भाई लक्ष्य चौधरी कल अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज डाले जिसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों ने आजकल इंटरनेट पर लीगल नोटिस भेज दूंगा, लीगल एक्शन ले लूंगा जैसे शब्द काफी दूध पीते बच्चों से सुने होंगे। कल बताते हैं लीगल नोटिस होता क्या है, इसके सोशल मीडिया पर कितनी वैल्यू है और कोई भी आटू झाटू मुंह उठाकर कैसे किसी के ऊपर लीगल नोटिस नहीं भेज सकता, स्पेशली ओवर सोशल मीडिया कंटेंट। कल बारहवीं पास लौंडों को लॉ सिखाएंगे। मैंने अपनी सोशल मीडिया लाइफ में एक से एक बेवकूफ गधे देखे हैं, ऐसे मंदबुद्धि अकल से पैदल ढीठ गवार और अनपढ़ इंसान नहीं देखे। खैर जिसने अपने चैनल आर्ट में ही देसी हूँ गवार नहीं लिखा हुआ हो, उससे कितनी समझदारी की उम्मीद रखी जा सकती है। कल वीडियो के साथ मिलते हैं। एक गवार को आखिरी बार समझाने की नाकाम कोशिश है, तब भी ना समझे तो उसके फ्यूचर किड्स के लिए बहुत बड़ा वाला खेद है। दिमाग व्यूज की तरह बाद में पेड नहीं डलवा सकते ना। तो भाई आप देख सकते हो यहाँ पर ये इनडायरेक्टली रचित रोझा के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई चैनल आर्ट में आप देख सकते हो रचित रोझा के ही लिखा हुआ है देसी हूँ गवार नहीं। सुबह लक्ष्य चौधरी ने जैसा कहा, आज वो इसके रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं, देखते हैं वो इस वीडियो में क्या कहते हैं। सुबह चलिए हम बात करते हैं रफ्तार के बारे में। तो भाई रफ्तार कल अपने इंस्टाग्राम पर एक Q&A रखे, जहां पर उनसे पूछा गया भाई हमसे स्टैंड के बारे में कुछ। देन रफ्तार रिप्लाई किए बोलने की जरूरत नहीं, वो करके दिखा रहा है। देन भाई किसी ने उनसे कहा एक बार MVA की और ले लो, कुछ मजा नहीं आ रहा है आजकल। देन उनको रफ्तार रिप्लाई किए और ऐसे ही मैसेज उधर भी भेजे जाते हैं, सबके लिए अपनी टीम नंबर वन #, बहुत तेज हो रहे हो। देन भाई किसी ने पूछा MVA के लिए व्यूज प्लीज यूनिटी कर लो, हिप हॉप विंस। देन रफ्तार रिप्लाई किए ब्रो आई थिंक वी ऑल आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट वी डोंट हेट ईच अदर, वी स्पीक देन इट्स इंपॉर्टेंट। हम लड़े ना लड़े तुम लड़ते रहोगे, कॉज दैट इज योर सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड एंटरटेनमेंट, लाइक एनी स्पोर्ट यू हैव अ फेवरेट टीम #, यू एड फ्यूल टू द फायर। तो भाई आपका इन जैसे लोगों के बारे में क्या कहना है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई चलिए हम बात करते हैं सिंगस्टा एंड ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो भाई कल सिंगस्टा के सॉन्ग पर किसी ट्रिगर्ड इंसान नाम के फेक बंदे ने कमेंट किया सिंगस्टा इज द वर्स्ट आर्टिस्ट इन इंडिया। देन भाई सिंगस्टा को पता नहीं था कि ये रियल बंदा या फेक बंदा है एंड उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने इंस्टा स्टोरी पर लगा दिया। देन भाई ट्रिगर्ड इंसान उस स्टोरी को देखे एंड उन्होंने क्या कहा आप भी देखे। यार आजकल ये एक नया सीन शुरू हो गया है जहाँ पे लोग ना ऐसा नाम के फेक प्रोफाइल बना रखे हैं और लोगों के दूसरे लोगों के उस पे जाके कमेंट कर रहे हैं कि भाई तू बेकार है, तू ये है वो है, ऐसे फालतू के कमेंट कर रहे हैं। तो उन लोगों को बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि बी वेयर ऑफ सच स्पैम लोग जो कर रहे हैं, ये जो फेक प्रोफाइल वगैरह इन्होंने बना रखे हैं वो मतलब सिंगस्टा म्यूजिक भाई इतना बड़ा सिंगर है वो ना, उसकी प्रोफाइल पे जाके किसी ने ट्रिगर्ड इंसान नाम से अकाउंट बना के फालतू का कमेंट कर रखा है। अब वो बंदा सोच रहा है कि यार मैं ऐसे कमेंट कर रहा हूँ, भाई मैं नहीं करता ऐसे कमेंट। दो चीजें, जब भी यूट्यूब पे कोई भी
वेरीफाइड अकाउंट कमेंट करता है तो उस पर पहली बात एक वेरीफाइड टिक मार्क आता है, तो अगर वो वेरीफाइड टिक मार्क है तभी वो एक ओरिजिनल अकाउंट है। तो अगर मैं कभी किसी के अकाउंट पे कमेंट करूंगा तो मेरे नाम के आगे टिक मार्क लगा होगा, अगर वो नहीं लगा हुआ तो मतलब वो फेक अकाउंट है, तो प्लीज बी वेयर। कुछ ये स्पैमर्स तो इतने ज्यादा तेज हैं, ट्रिगर्ड इंसान भी अगर है ना तो वो INSSAN करके अकाउंट बना लेंगे, मतलब इतने शातिर हो रखे हैं आजकल तो ये लोग। और सामने वाला जिनके अकाउंट्स पे वो कमेंट हो रहे हैं वो बेचारों को लगता है कि भाई असली वाला ट्रिगर्ड इंसान कमेंट कर रहा है, तो प्लीज वो वेरीफाइड वाला टिक मार्क देख लेना। ऐसे ही मेरे ही नहीं, बहुत लोगों के फेक अकाउंट बने हुए हैं, कैरी भाई के बने हुए हैं, बीबी के बने हुए हैं, तो जस्ट बी अवेयर। हम नहीं करते भाई, आपके अकाउंट पे आके ऐसा फालतू का कमेंट क्यों करेगा, एक बात बताओ। तो या तो भाई ऐसा फेक बंदों के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज जो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब हम बात करते हैं मुनावर फारूकी के बारे में। तो भाई जैसा कि आप सब जानते हो, कुछ दिन पहले इंदौर में इनको पीटा गया क्योंकि इन्होंने हिंदू सेंटीमेंट को हर्ट किया था, ऐसे जोक्स मारे थे हिंदू रिलीजन के ऊपर। एंड भाई पब्लिक ने इनको पीटने के बाद इनके अगेंस्ट पुलिस रिपोर्ट लिखवा दी थी, एंड भाई ये जेल में बंद थे। सो कल इन्होंने कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया था, एंड भाई MP कोर्ट ने इनको बेल देने से मना कर दिया, बेल रिजेक्ट कर दी। ऑल्सो भाई हिंदुस्तानी भाव उनके ऊपर रिएक्शन दिए, उन्होंने क्या कहा आप भी देखिए। कॉलगेट डाल के मैं तो सैल्यूट देते हैं उन लोग को, वहां के पुलिस वालों को, कि आपने ये इनको बताया संविधान क्या होता है। मैं सैल्यूट करता हूं वहां के लोगों को जिन्होंने ये मादरचोद को फटके दिया और ये कॉमेडी जो चल रही थी स्टैंड अप कॉमेडी वो बंद करवा दिया। आज के बाद ऐसे होना चाहिए, यही चीज पहले बताया था मैं, बहुत पहले बताया था मैं। कैसा बोल सकता है ये, तुम्हारे बोलने से क्या होगा, देख क्या हुआ, ये जगा रहा हूं मैं लोगों को। सो या इस बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट्सएप के बारे में। तो भाई व्हाट्सएप का एक नया अपडेट आया है जिसके रिगार्डिंग 8 फरवरी से आप व्हाट्सएप से पेमेंट भी कर पाओगे, जिसके लिए भाई व्हाट्सएप ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन में एक और पॉइंट ऐड किया है कि अब वो आपका डाटा पहले से भी ज्यादा स्टोर करेंगे अपने फेसबुक पर। इसका मतलब है कि भाई अब आपका डाटा इतना प्राइवेट नहीं रहेगा जितना पहले था। तो भाई आपका इस व्हाट्सएप के नए अपडेट के बारे में क्या कहना है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो या आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं कल के वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।